सब्सक्राइब कीजिए जागो किसान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसान साथियों नमस्कार, आज रतलाम लहसुन मंडी का स्थापना दिवस है, सबको बहुत बहुत बधाई। किसान साथियों, आज रतलाम कृषि मंडी में सोयाबीन और मटर के भाव में दिलकुश करने वाली तेज़ी देखी गई, वहीं दूसरी ओर प्याज के भाव में कुछ ज़्यादा ही नरमी रही और लहसुन के भाव में भी नरमी रही। अब देख लेते हैं रतलाम कृषि मंडी में सोमवार 1 मार्च 2021 के भाव। गेहूँ लोकवन आवक रही 17,165 बोरी की, न्यूनतम भाव रहा 1690 रुपये, अधिकतम भाव रहा 2235 रुपये और मॉडल भाव रहा 1855 रुपये। मक्का की आवक रही आज रतलाम कृषि मंडी में 55 बोरी की, न्यूनतम भाव रहा 1180 रुपये, अधिकतम भाव रहा 1200 रुपये और मॉडल भाव रहा 1180 रुपये। विशाल चने की बात करें तो किसान साथियों, आज 120 बोरी की आवक रही, न्यूनतम भाव रहा 4676 रुपये, अधिकतम भाव रहा 5300 रुपये और मॉडल भाव रहा 5050 रुपये। इटालियन चने की आवक रही आज रतलाम कृषि मंडी में 47 बोरी की, न्यूनतम भाव रहा पूरे 4800 रुपये, अधिकतम भाव रहा 5215 रुपये और मॉडल भाव रहा 5075 रुपये। डॉलर चने की आवक रही 195 बोरी की, न्यूनतम भाव रहा 4060 रुपये और अधिकतम भाव रहा नए डॉलर चने का 6590 रुपये और मॉडल भाव रहा 6010 रुपये। सोयाबीन में अच्छी तेज़ी देखने को मिली आज रतलाम कृषि मंडी में, आवक रही 2251 बोरी की, न्यूनतम भाव रहा पूरे 4500 रुपये, अधिकतम भाव रहा पूरे 5300 रुपये और मॉडल भाव रहा 5075 रुपये। मटर बीज में भी किसान साथियों अच्छी तेज़ी देखी गई आज, आवक रही 527 बोरी की, न्यूनतम भाव रहा पूरे 3000 रुपये, अधिकतम भाव रहा पूरे 5500 रुपये और मॉडल भाव रहा पूरे 5000 रुपये। लहसुन में हल्की सी नरमी रही, आवक रही 7345 कट्टे की, न्यूनतम भाव रहा पूरे 600 रुपये, अधिकतम भाव रहा 5901 रुपये और मॉडल भाव रहा पूरे 3200 रुपये। नासिक प्याज और देसी प्याज में किसान साथियों आज कुछ ज़्यादा ही नरमी देखने को मिली, आवक रही 2695 कट्टे की, न्यूनतम भाव रहा 406 रुपये, अधिकतम भाव रहा 2332 रुपये और मॉडल भाव रहा 1320 रुपये। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।